हेलो साथियों, नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रियल टाइम खतौनी। ये दोस्तों क्या होती है रियल टाइम खतौनी? जो भी दोस्तों आपकी तहसील है, आपका ब्लॉक है, यानी कि आपकी तहसील से लगी हुई जितनी ग्राम पंचायतें हैं, उनमें दोस्तों करेक्शन का काम चल रहा है अभी भी। यानी कि दोस्तों आपकी खतौनी में दोस्तों काम चल रहा है, जैसे कि खतौनी में जो काम है आदेश निरस्त करना, आदेश चढ़ाना, या फिर दोस्तों जो विरासत चढ़ी हुई है उनको हटाना, इस तरीके के बहुत सारे काम, लोन वगैरह हैं उनको दोस्तों सही करना, जो लोन पेमेंट हो चुका है उनको वहाँ से खारिज करना, ये सारे काम आपकी खतौनी पर चल रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपके जो ग्राम पंचायत की खतौनी है उसको रियल टाइम खतौनी में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब दोस्तों हम जानते हैं कि रियल टाइम खतौनी आप अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से घर बैठे ही कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको भूलेख की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, और वहाँ पर आने के बाद आपको टाइप करना है भूलेख, और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक रियल टाइम खतौनी की नकल देखें इस तरीके का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। आपको इस वाले बॉक्स में अपना जो कैप्चा है वो इस तरीके से फिल कर देना है, जो भी कैप्चा यहाँ से आपसे पूछा जाता है। कैप्चा फिल करने के बाद साथियों यहाँ पर सबमिट वाला जो बटन यहाँ पर दिया गया है, सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन आते हैं। सबसे पहले आपको अपनी जनपद को यहाँ से चूज़ करना होता है, इसके बाद आपको अपनी जो तहसील है उसको यहाँ से चूज़ करना होता है, एंड इसके बाद आपको अपना जो गाँव है वो यहाँ से चूज़ कर लेना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा गाँव का नाम इसमें नहीं आ रहा है, तो आपको इसमें अपने गांव का नाम मिल जाएगा, सारे के सारे गांव के नाम यहां पर आ रहे हैं, तो आपको अपने गांव का नाम यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने पांच ऑप्शन आते हैं, जैसे कि यहां पर दिया गया है। पहला ऑप्शन खाता खसराघाटा संख्या के द्वारा खोजें, खाता संख्या के द्वारा खोजें, खातेदार के नाम के द्वारा खोजें, और भूमि श्रेणी के द्वारा खोजें। इसके बाद मिलता है नामांतरण दिनांक के द्वारा खोजें। पांच ऑप्शन मिलते हैं, आपके पास जो भी उपलब्ध है उसके द्वारा आप खोज सकते हैं। अब जैसे कि बात मान लीजिए आपके पास कुछ भी पता नहीं है, तो आपको खातेदार के नाम के द्वारा वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों जो भी आपका नाम है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। जैसे दोस्तों आपने नाम को यहाँ पर थोड़ा सा फिल करेंगे, कुछ अक्षर यहाँ पर डालते हैं इस वाले कीबोर्ड के माध्यम से, तो आपके नाम के जितने भी ग्राम पंचायत में लोग होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आपको अपना जो नाम है यहाँ से देख लेना है, जो भी आपका नाम है, एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जितने भी लोग हैं उनके सामने भी दोस्तों आपको अपना नंबर भी पता लग जाएगा, उसके सामने यहाँ पर एक बिंदु भी मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों सिक्योरिटी रीजन की वजह से आपको यहाँ पर दिखाई देता नहीं होगा, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ब्लर कर दिया है, बट आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जैसे आप इस टिक पर क्लिक करेंगे इस बिंदु पर, तो तुरंत आपको यहाँ पर उद्धरण देखे वाला बटन यहाँ पर ग्रीन रंग से हो जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से कैप्चा फिल करने को आपको यहाँ पर दिखाई देगा। आपको क्या करना है, इस कैप्चा को पहले फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से जो पूरी खतौनी है, उद्धरण खतौनी, वो ओपन होकर आ जाती है। इस खतौनी में सबसे पहले आपको अपना नाम, ग्राम का नाम, अपना नाम, इसके बाद आपको गांव का परगना, तहसील, और आपका खाता संख्या, इसके साथ साथ दोस्तों आपके खाते में जितने भी सदस्य हैं उनका नाम, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो भी न्यायालय से कोई आदेश वगैरह है उसका दोस्तों यहाँ पर डिटेल, साथ ही साथ दोस्तों आपका जो काटा संख्या यूनिक कोड है, ये दोस्तों आपका पीएम किसान में दोस्तों यूज़ किया जाता है इस यूनिक कोड को, तो ये भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। दोस्तों इस खतौनी में अच्छी बात ये है कि दोस्तों जिनके ही नाम पर जितना जितना रकबा है वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि दोस्तों पहले नंबर का व्यक्ति है उसका दोस्तों यहाँ पर पहले नंबर की हिस्सेदारी दी गई है, दूसरे नंबर का जो भी यहाँ पर व्यक्ति है उसकी दूसरे नंबर की यहाँ पर हिस्सेदारी दी गई है, इसी तरीके से तीसरे चौथे पाँचवें जितने भी लोग होंगे उनकी सारी की सारी हिस्सेदारी यहाँ पर दी गई है, तो ये दोस्तों अच्छी बात है। इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे हम, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा, जो भी हमारे बाद संख्या है, आदेश हैं, हमारा लोन वगैरह है, वो सारा कुछ अगर विरासत वगैरह होगी तो यहाँ पर आ जाएगी, सारी की सारी डिटेल यहाँ पर चढ़ी हुई आ जाएगी, यानी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और सेटिस्फाई भी हो सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और भी नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो आपको जितने भी भूमि बंधक है, आदेश आए हैं, वो सब यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी जो पूरी खतौनी है आप अपने ग्राम पंचायत की किसी की भी निकाल सकते हैं, अपनी भी निकाल सकते हैं, अपने पड़ोसी की भी निकाल सकते हैं, अपने रिश्तेदार की भी निकाल सकते हैं, किसी की भी निकाल सकते हैं। ये दोस्तों जब भी खतौनी आपके रियल टाइम कन्वर्ट से हट जाएगी तो आपको मेन पोर्टल पर वैसे ही दिख जाएगी, वैसे पहले
गई थी, बट अभी जो काम चल रहा है तो आपकी खतौनी रियल टाइम खतौनी में ही कन्वर्ट हो गई है और ऐसे ही निकलेगी। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे आप अपनी खतौनी को कैसे निकाल सकते हैं और दोस्तों अपनी खतौनी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आज की बस इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। दोस्तों बहुत सी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, पर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और बहुत सारी वीडियो आपसे मिस हो जाती हैं, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाले नोटिफिकेशन और नई जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।